बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नेगेटिव ख्यालों को कैसे ख़त्म करें, हाउ वी कैन कंट्रोल नेगेटिव थॉट्स, हाउ वी कैन स्टॉप नेगेटिव थॉट्स। एक सवाल जो मुझसे अक्सर किया जाता है और ये आपके जहन में भी होगा, मेरे ख्याल से हर इंसान के जहन में ये सवाल आता है जिसको नेगेटिव थॉट्स का सामना करना पड़ता है कि काश ऐसा कुछ हो कि मेरे अंदर से सारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और मैं नेगेटिव थॉट्स में उलझना बंद कर दूं, ये बस थॉट्स का सिलसिला रुक जाए, ख़त्म हो जाए। असल में थॉट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं लेकिन हम खुद इनको बुरा बना लेते हैं अपने लिए। अब ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, इसकी मैं आपको इन डिटेल जो है वजाहत दूंगा। कोशिश ये करें कि वीडियो को पूरा देखें और इसको समझें। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया, आई एम श्योर कि आप ये वाला रोना छोड़ देंगे कि मेरे ख्याल ख़त्म हो जाएं। आप बस एक दफ़ा इन ख्यालों को मैनेज करना सीख लेंगे तो हर प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। नॉर्मली अल्लाह ताला ने हमें जिस जो दिमाग से नवाजा है, ये हमारी बॉडी का टोटल 2% होता है और इससे हमारी बॉडी से ऑलमोस्ट 20% एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब इसका फिनोमिना ऐसा है कि अल्लाह ताला ने इसको थॉट्स से नवाजा है। ये थॉट्स क्या हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब फ़र्ज़ करें आपने कोई काम नहीं किया या कोई काम करने वाले हैं तो आपको उसका ख्याल आ जाएगा। कोई चीज़ जो आपके सामने आती है आपके माइंड में, उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाती है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर है वो सारी आपका माइंड आपके लिए पहले ही कलेक्ट करके आपके सामने ले आता है। मसलन फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ सामने आई, आपने उसे देखा तो फिर आपके जहन में ख्याल आया कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह बनी है, किसने इसे बनाया, और ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। मसला क्या होता है, एक दिन में एक इंसान को 75,000 से लेकर 85,000 ख्याल आते हैं। मसला यहाँ आता है कि जब वो ख्याल इंसान मनफी बना लेता है अपने लिए, उन ख्यालों के साथ डर जोड़ देता है। आप मुझे अपने ईमान से बताएं, क्या आपको पूरे अपने 75,000 ख्याल याद हैं? आप कहेंगे नहीं। कौन से ख्याल आपको याद हैं? वही जो नेगेटिव हैं। अगर आप अपने ख्यालों को नेगेटिव से पॉजिटिव कर लें तो आपका ये मसला हल हो सकता है। उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, अपनी सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब सोच में और ख्याल में क्या फ़र्क होता है? फ़र्ज़ करें हमें ख्याल आया कि ये हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। मैं आपको इसको इन डिटेल बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपको एक दिन बैठे हुए थे, कॉल आई कि फ़लाँ ताया के फ़लाँ बेटे को हार्ट अटैक आया है और वो मर गया है, इस दुनिया से चला गया है। अब आप थोड़ा सा डर गए कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। एक ख्याल था कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। अब उसके साथ आपने डर का इमेज जोड़ दिया, हाँ मुझे भी काफ़ी दिनों से दिल में दर्द हो रही है, कहीं मुझे भी तो हार्ट अटैक नहीं आने वाला, मेरी फलां चाची का बेटा भी तो हार्ट अटैक से मरा था। अच्छा, हार्ट अटैक हमारा ख़ानदानी मसला है, मेरे अब्बू को भी हार्ट की दर्द रहती थी, अम्मी भी अक्सर हार्ट की कंप्लेन करती थी, मेरी बहन को भी ये मसला हो सकता है, अच्छा उनको भी ये मसला हो सकता है, मुझे भी ये मसला हो सकता है। जब मुझे ये मसला होगा तो मेरी क्या कैफियत होगी, क्या मैं जवानी में मारा जाऊँगा? नहीं यार, मुझे तो अभी ज़िंदा रहना है यार, ये सब मुझे अभी करना है। अगर आप एक दफ़ा सोचें तो एक ख्याल था ना कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, अगर आप इस ख्याल को डील करना सीख लेते तो क्या ये इतने ज़्यादा ख्याल आपको आते मनफी? यकीनन नहीं आते। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हमें इन्हें ख़त्म करने का तरीका बता दें। मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, एक सवाल करता हूँ, वही आपसे करता हूँ, क्या आपको अपने 75,000 ख्याल जो आते हैं वो रोज़ाना याद रहते हैं? कितने याद रहते हैं उनमें से? सिर्फ वही याद रहते हैं जो नेगेटिव होते हैं। अगर आप इनको भी नेगेटिव से पॉजिटिव कर लें, इनसे बात कर लें, तो क्या ये ठीक नहीं हो जाएगा आपका मसला? क्या ये प्रॉब्लम आपकी हल नहीं हो जाएगी? जो बहुत बड़ा आपने राई का पहाड़ बना लिया है, क्या ये रेजा रेजा नहीं हो जाएगा? क्या ये ज़रा ज़रा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ज़िंदगी में वो चीज़ थी जो मैंने बड़ी ज़िंदगी लगा के सीखी, बड़ी रिसर्च के बाद सीखी। कुछ लोग होते हैं जो रास्ता बताते हैं, कुछ लोग उस रास्ते पे चल के आगे आते हैं, तो मैं इन रास्तों पे चल कर आगे आया हूँ। मुझे भी ओवरथिंकिंग का बेपनाह सामना था, नेगेटिव थिंकिंग का बेपनाह सामना था। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग को देखें, किसी भी ख्याल को देखें, तो वो ख्याल हमें कुछ ऑप्शंस देता है, उसको रिस्पॉन्ड करने के कुछ ऑप्शंस होते हैं। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, ये 3 F हैं आपके पास। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे? अगर आप फाइट करेंगे तो आप उस ख्याल से लड़ेंगे, ठीक है? लड़ने का क्या मतलब है? ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा, मैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाए अभी हो जाए,
दूसरी चीज़ फ्लाइट के ख्याल आया, आप डर गए और आप भागना शुरू कर दिया आपने। तीसरी चीज़ फ्रीज, आप उस जगह पे फ्रीज हो गए और सकते की हालत में आ गए। फोर्थ वन बेस्ट है जो मैंने खुद पे रख के देखा है, जो मैंने खुद से सीखा है। आप अपने आप को बता दें कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाए। कॉल आई, फ्लां कज़न हार्ट अटैक से फौत हो गया, आप अपने आप से कहे ठीक है। ख्याल आया मुझे भी हार्ट अटैक ना आ जाए, तो अपने आप से कहें आ जाए, क्या हो जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मरना तो एक दिन सबने है, किसी ने हार्ट अटैक से मरना है, किसी ने नेचुरल मौत मरना है, किसी ने एक्सीडेंट से मर जाना है, किसी ने किसी तरह से मर जाना है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने परमानेंट इस दुनिया में रहना है। बिलीव मी, ये छोटा सा ख्याल जिसे आपने रिस्पाउंड कर दिया, रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट और रिस्पाउंड में फ़र्क है। रिएक्ट का मतलब होता है कि आपको ख्याल आया और आपने उसे एज इट इज़ ही एक ट्रेन सिस्टम चलने दिया, और रिस्पाउंड का मतलब होता है कि आपने उस ख्याल से बात की और अपने आप से लॉजिकली थिंकिंग की कि हाँ भाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। माइंड बड़ा लालची है, कभी भी वो काम नहीं करता जिससे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इसे इसलिए फ़र्क पड़ रहा है कि ये उन चीज़ों के साथ डर का इमेज जोड़ के बैठ गया। आप इस डर के इमेज को दूर कर दें और कहें भाई मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ से? और आप फिर भी, आपको जिस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्या आप वो काम करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप काम करते हैं। आप क्या, दुनिया का कोई इंसान भी वो काम नहीं करता जिससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे उसे कोई इंटरेस्ट हासिल नहीं होता, जिससे उसे कुछ फ़ायदा या नुकसान हासिल नहीं होता। वो कुछ भी वो काम नहीं करता जिससे उसे ना तो फ़ायदा हो ना तो नुकसान हो। कुछ भी ना मिले तो कौन इंसान कोई काम करता है, वो तो उसके लिए इररेलीवेंट चीज़ हो जाएगी। तो जब आपके नज़दीक आपको रोज़ाना के 75,000 से 85,000 ख्याल आ रहे हैं और आप सिर्फ उलझ रहे 5, 10, 15, 20, 30 ख्यालों में हैं, बाकी सारे आप 100 ख्याल भी लगा लें तो बाकी इतने ज़्यादा जो ख्याल हैं वो आपको क्यों नहीं उलझा रहे? वो इसीलिए तो नहीं उलझा रहे क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी नज़र में पॉजिटिव हैं, वो ऑलरेडी आपकी नज़र में फियर के इमेजेस से अलग हैं। देखिए, डर से जितना डरेंगे डर उतना डराएगा, डरते रहेंगे डर डरा डरा के आपको मारेगा। एक बार अपने डर से कहें मुझे डर नहीं लगता, तू जो कर सकता है कर ले, यकीन करें आपका डर आपसे डर जाएगा। और जिस दिन आपका डर आपसे डरना शुरू हो गया ना, फिर ही आपको नहीं डराएगा। डर से डरना भी अच्छा है और किसी जगह पे डर को डराना भी अच्छा है। ये सिचुएशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके सामने से जो है वो तूफान आ रहा है और आप खड़े होकर कहें जी मैं नहीं डरता, तो फिर वो तूफान आपको बहा के ले जाएगा। कहीं आपने 30 मार खान बनना है और कहीं 30 मार खान नहीं बनना। किसी जगह किसी मौके पर डरना अच्छा है और किसी मौके पर डरना, बिला वजह डरना बहुत बुरा है। तो डरना नहीं है, आपने डर से बात करनी है, उसे कहना डराता क्यों, मुझे डर नहीं लगता, आजा मार ले, क्या कर लेगा। एक लड़की ने मुझे कॉल की USA से और कहती हैं कि मुझे 15 साल से ऑलमोस्ट डर है कि मैं मर जाऊंगी। मैंने एक छोटा सा सवाल किया, 15 साल से मरी क्यों नहीं? हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। तो क्या जो आप सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं? एक बार पूछें कि क्या आपने भी ये नहीं कभी सोचा कि जो डर मुझे इतने अरसे से डरा रहा है, इसने मुझे अब तक मारा क्यों नहीं है? आपका डर आपको नहीं मारता, जब भी मारेगी आपको मारने वाली ज़ात मारेगी, और वो ज़ात इतनी ज़ात अकदस है कि फिर पल भर का मौका भी नहीं देगी, सोचने का मौका भी नहीं देगी, सांस का मौका भी नहीं देगी। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ मौत की लज्जत को जोड़ रखा है, ये तो हकीकत है। डरना कभी भी मौत से नहीं चाहिए, डरना हमेशा अपने अमालों से चाहिए। अच्छे अमाल करते रहे, दूसरों के साथ अच्छा करते रहें। कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है। नंबर एक, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ पे काम करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर फियर का एलिमेंट बहुत कम होता है, वो अपने फियर को मैनेज करना जानते हैं। डर तो हर किसी को लगता है, ये कोई चीज़ नहीं कि डर नहीं किसी को लगता, मुझे भी डर लगता है भाई, डर तो सबको लगता है, इंसान है ना, हर इंसान को डर लगता है किसी ना किसी को। किसी को पानी का डर होगा, किसी को ऊंचाई का डर होगा, किसी को लाउड शोर का डर होगा, किसी ना किसी चीज़ का डर होगा, और किसी को मौत का डर होगा। तो आपने अपने डर को आपने डिफाइन करना है कि इसको आपने मैनेज कैसे करना है। फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए वही बात है, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं, वर्कआउट करें। जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे आपको उतनी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। अक्सर लोगों को देखा है जी कुछ भी नहीं करना और ठीक हो जाना। मैं तकरीबन रेगुलरली बेसिस पे
8 से 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ रेगुलरली बेसिस पे। देखिए ज़िंदगी आसान होती नहीं है, ज़िंदगी आसान बनानी पड़ती है। अक्सर लोग कहते हैं जी आपसे कैसे हो गया, हमसे नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब इस चीज़ से लड़ रहा था, मैं 16 से 18 घंटे अपने अंदर ही एक जंग से लड़ रहा था जिसमें मैं रिसर्च कर रहा था, समझ रहा था चीज़ों को। आसान नहीं था ये सब, मैंने अपने लिए आसान बनाया। तो ज़िंदगी आसान होती नहीं है, हमें आसान बनानी पड़ती है। दूसरी चीज़ इसके बाद जो सबसे स्ट्रांग चीज़ है, आपका बिलीफ सिस्टम है। आपका बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि ये जो कुछ भी चीज़ें हैं ये मेरे इख्तियार में हैं, ये मैनेजेबल हैं। ये ना समझे कि ये मैनेज नहीं हो सकती, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया मैं ये नहीं कर सकता, बिलीव मी उस दिन आपसे होना बंद हो जाएगा, उस दिन के बाद आपसे नहीं होगा। यकीन रखें, रोज़ाना कहते रहे मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ये सब मेरे कंट्रोल में है। आप अपने आप को समझाते रहें कि यू आर किंग, तुम ये सब कर सकते हो, तुम ये सब मैनेज कर सकते हो, कोई भी ख्याल तुम्हें डरा नहीं सकता, कोई भी ख्याल तुम्हें मार नहीं सकता। तो आप जब अपने ख्यालों को ये बताते रहेंगे कि भाई ये सब मेरे कंट्रोल में है, तो फिर कैसे कोई चीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है? नहीं हो सकती, बिलीव मी हो जाएगा इंशाल्लाह। नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए दो लफ्ज याद रखना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और भूल जाओ। आप जब भी नेगेटिव थॉट्स में उलझेंगे, बहुत बड़ी रीज़न होगी किसी के बारे में दिल में गलत ख्यालात। सबको माफ़ करें, सबको माफ़ करके चलें और उनकी गलतियों को भुला कर चलें। ऐसे चलें जैसे अल्लाह आपकी गलतियों को माफ़ करता है, इसी तरह आप उसके बंदों की गलतियों को माफ़ करें, वो भी आपकी गलतियों को ज़रूर माफ़ करेगा। और इसके बाद एक चीज़ है विजुलाइजेशंस। अपने हर डर के इमेज को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दें। बेस्ट विजुलाइजेशन जो अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा लोगों पे रख कर देखी है, इवन सबसे पहले तो खुद पे रखी थी, बाद में डिफरेंट लोगों को मैंने ये करवाई। एक कॉपी एंड पेन लें और अपने सारे नेगेटिव थॉट्स लिखें कि मेरे जहन में ख्याल आता है कि एक दिन हार्ट अटैक आएगा और मैं मर जाऊँगा। मेरे जहन में ख्याल आता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे जहन में ख्याल आता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होऊंगा एक मुकाम पे जाके और मेरी वहाँ मौत हो जाएगी। मेरे जहन में ख्याल आता है कि मैं जिससे मिलूंगा मैं वहाँ ठीक से बात नहीं कर सकूंगा। सारे अपने ख्याल को लिखें, ये सारे नेगेटिव होंगे। इसके लिए पॉजिटिव चीज़ जो है, बेसिकली जब आप नेगेटिव होते हैं ना तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी एक्सप्रेशन जो है ना वो बदल जाते हैं। यहाँ आपने एक चीज़ करनी है कि आपने अपने आप को कॉन्शियसली ये सिग्नल देना है कि भाई ये जो चीज़ है ये डर का इमेज नहीं है, मैं कॉन्शियसली इसको डर को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देता हूँ। जब आप कॉन्शियसली इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करते रहेंगे ना तो सब कॉन्शियसली उस इमेज को नेगेटिव से पॉजिटिव ऑटोमेटिकली कर देगा। रिपीटेशन आ जाएगी ना उसमें, रेगुलरली बेसिस पे होता रहेगा होता रहेगा। तो वो जब आप कॉन्शियसली लॉजिकली थिंकिंग करेंगे, आप अपने आप को कहेंगे कि नहीं यार ये तो डर का इमेज है ही नहीं, ये तो मेरे लिए अच्छा डर है, मुझे इस चीज़ को बुरा मैंने खुद किया है, अब मुझे अच्छा भी इसको खुद ही करना है। तो बेहतरीन चीज़ है जो भी आपके इमेजेस हैं, फ़र्ज़ करें आपने, मैं यहाँ आपको बेसिक जो है वो मौत के डर के बारे में बताया था कि मौत को लेके बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपने, मैं आपको जो एक बहुत बड़ी एक जो है वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ अक्सर लोगों का होता है कि जी हमने फलां की मौत देखी थी, फलां की मौत सुनी थी, फलां को अपनी आँखों के सामने जो है वो मरते हुए देखा था, जो हमारे अंदर एक डर का इमेज है वो बैठ गया। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी विजुलाइजेशन करवाने लगा हूँ। ऑब्वियसली टाइम शॉर्ट होगा तो मैं आपको ज़्यादा नहीं इन डिटेल बता सकता, लेकिन है ये बेसिक मेथड ही है। इसके लिए विजुलाइजेशन पे मेरी वीडियो भी बनी हुई है, आप वो भी चेक करें। सबसे पहले कोशिश करें एक पुरसकून जगह पर बैठ जाएं। पुरसकून जगह मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में विजुलाइजेशन कर रहे होते हैं तो शोर में आप ठीक से विजुलाइजेशन नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड जो है वो इधर उधर घूमता रहता है, तो माइंड का फोकस होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब आपने आंखें बंद करनी है, चेहरा आपका मुस्कुराता और नाक से सांस ले, मुंह से छोड़ दें। अब होगी आपकी डीप ब्रेथ्स, 5 दफा आप करें। अब आपने आंखें बंद करनी है, नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, चेहरा मुस्कुराता हो आपका। अब पूरे उस इमेज को चलने दें कि आपने एक दिन देखा कि आपके सामने आपका कजन या जो भी था उसकी मौत हो गई। मुस्कुराते हुए आपने चेहरे के साथ हल्की सी स्माइल के साथ देखना है,
और अपने आप को ये आपने रियलाइज करवाने कि ये जो मौत है ये नेचुरल है, ये सब पे आनी है, ये हर किसी पे आनी है, हर किसी ने मौत की लज्जत को चखना है। मुझे इस मौत से नहीं डरना, मुझे डरना उस चीज से है, उस अमाल से है जो साथ जाने हैं। यकीनन मौत तो जिंदगी अगर 100 साल भी होगी तो मरना तो फिर भी है, जिंदगी अगर 1000 साल भी अल्लाह ताला आपको दे देंगे तो मरना तो तब भी है। तो साथ क्या चीज़ जाएगी? आपके अमाल, आपके अच्छे अमाल, किसी को माफ़ करके चलेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, अल्लाह को कसरत से याद करेंगे, उसके अहकाम को फॉलो करेंगे, तो ही आप आखिरत में कुछ लेके जाएंगे ना। दुनिया में वो इंसान कामयाब नहीं है जिसके पास सारी दुनिया है, दुनिया और आखिरत में वही इंसान कामयाब है जिसके पास दुनिया में भी सब कुछ हो और आखिरत में भी सब कुछ हो। और दुनिया में सब कुछ हो ये मायने नहीं रखता, आपके पास आखिरत में सब कुछ हो दर हकीकत ये मायने रखता है। तो इस विजुलाइजेशन को थोड़ी देर आप करें, इसमें मकसद यही है कि आपका अपने आप को बताना। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बॉडी आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो, ये बहुत ज़्यादा कंधे ऐसे झुके ना हो, डर वाली कैफियत ना हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल नॉर्मल हो। पहली दफ़ा में ये विजुलाइजेशन आपको थोड़ा सा तंग करेगी, दूसरी दफ़ा में थोड़ा कम हो जाएगी, तीसरी दफ़ा थोड़ी और कम हो जाएगी। जब भी आपने करनी है 3 दफ़ा करनी है, जब भी आपने करनी है स्टार्टिंग में 21 डेज में आपके इंशाल्लाह जितने भी नेगेटिव इमेजेस हैं वो सारे नेगेटिव से पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। और जब आपके इमेजेस नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे तो आप अपने माइंड को जो है ना वो देखिएगा कि ये जो चीज़ें आज आपको बहुत तंग करती हैं ये आपको बहुत कम तंग करेंगी। माइंड को पता नहीं है सबकॉन्शियस को कि अभी क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है और जो ख्याल क्या है, उस ये इन दोनों चीज़ों में वो लॉजिकली थिंकिंग नहीं कर पाता। ये कॉन्शियसली आपने करनी होती है, डर के इमेज को आपने अलग करना होता है और जो एक्चुअल में इमेज होता है, जो अच्छा डर होता है उसको अलग करना होता है। एक बुरा डर होता है और एक अच्छा डर होता है, दोनों को आपने इमेज करना होता है। एक खाम खा का डर होता है ना, एक खाम खा का डर होता है और एक एक्चुअल का डर होता है। एक वो डर होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता और हम सोच रहे होते हैं, और एक वो डर होता है जो एग्जिस्ट करता है। तो दोनों में से जो आपने डिफाइन करना होता है कि कौन सा डर है, सबकॉन्शियस को यही पता है कि ये डर है। आपने लॉजिकली थिंकिंग करके उन दोनों चीज़ों को अलग अलग करना होता है। तो आज इससे ये थोड़ा सा काम करें, दोनों चीज़ों को अलग अलग करें। ये दो विजुलाइजेशन कम अज़ कम स्टार्टिंग में आप सुबह भी करें और शाम भी करें। विद इन अ डेज आप देखेंगे कैसे आपके नेगेटिव थॉट्स को कम से कम करती जाती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रिजल्ट्स कभी भी ऐसे नहीं आते, रिजल्ट्स कभी भी विद इन अ डे नहीं आते, विद इन अ डेज आते हैं। तो डेज़ का इंतज़ार करें, ना कि एक दिन का इंतज़ार करें। और इसके अलावा जो लोग मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं वो मेरे मैनेजर के व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, फ़ीस की और टाइम की अदर डिटेल्स वो ले सकते हैं। तो वीडियो का अहतमाम यहीं करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।